नमस्कार दोस्तों, टोक्यो टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप। तो दोस्तों, निधि कंपनी के विषय में जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, काफ़ी आप लोगों को पसंद भी आ रहा है, काफ़ी हेल्पफुल भी हो रहा है। तो चलिए, आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आज के वीडियो का सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि मुझे काफ़ी कॉल्स आते रहते हैं रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स के विषय में। तो आज मैंने ये सोचा कि इसको इस प्रॉब्लम्स के भी विषय में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कहना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी जानकारी कहीं आपसे मिस नहीं हो जाए। और अगर आपको निधि कंपनी अपनी रजिस्ट्रेशन करना है, ऑडिट करना है, और अगर आपको सॉफ्टवेयर के विषय में भी चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना भी आप मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, पूरी निधि कंपनी की प्ले लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे काफ़ी ऐसे फ़ोन कॉल आते हैं जिसमें कि निधि कंपनी के सॉफ्टवेयर को लेकर प्रॉब्लम्स है लोगों के द्वारा, या जिनके जो निधि कंपनी के संचालक है या कंपनी के ओनर है। तो मैंने आपको ये, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपकी निधि कंपनी नहीं है तो आप कुछ कुछ बातों का ध्यान ले सॉफ्टवेयर को लेने से पहले। ऐसे अगर मैं सॉफ्टवेयर के विषय में डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियो बनाऊं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ मैंने छोटे छोटे पॉइंट के आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको निधि कंपनी के सॉफ्टवेयर लेने में क्या क्या सावधानियाँ रखना चाहिए, क्या क्या आपके सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, क्या क्या सर्विसेस होनी चाहिए, कैसे आपको मैंने सॉफ्टवेयर लेने से पहले क्या क्या देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट वन है, तो इसके बाद भी और काफ़ी मतलब वीडियो लोड होंगे, तो सब चीज़ इसी पार्ट में नहीं है, मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है निधि कंपनी के सॉफ्टवेयर लेने से पहले। जब भी कोई निधि कंपनी स्टार्ट करता है तो जाहिर है कि 10 कंपनियों से बात करता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि निधि कंपनी रजिस्ट्रेशन करती है और या फिर सॉफ्टवेयर भी देती है। बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं अगर नाम लूँ तो गिनती भी नहीं आएगा, किसी का नाम लेना भी नहीं चाहूँगा। तो दोस्तों, सारी कंपनियां बोलती है कि उनका जो सॉफ्टवेयर है नंबर वन सॉफ्टवेयर है, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, ऐसा है वैसा है, वो फीचर्स है, अलाने फलाने टिलाने ढिलाने सब कुछ सॉफ्टवेयर में वो बता देती है। ठीक है, अब यहाँ पास जब इतनी सब कुछ है फिर तो कंप्लेन क्यों आता है? मैं यहाँ पास ये पूछना चाहता हूँ उन सारे लोगों से या उन कंपनियों से कि जब आपकी निधि कंपनी की सॉफ्टवेयर इतनी सब कुछ है तो फिर कंप्लेन क्यों आता है? मेरे पास लोगों के फ़ोन क्यों आते हैं कि ऐसा 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 प्रॉब्लम है, किसी में ऑडिट नहीं हुआ, किसी में बैलेंस शीट नहीं निकल रहा, किसी में ये, किसी में वो, मैंने कुछ ना कुछ है। तो अब दोस्तों, यहाँ पास पहली चीज़ है कि सॉफ्टवेयर लेने से पहले देखो वो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट क्या है, मैंने उसके प्राइस क्या है। क्योंकि कभी कभी अभी कुछ कंपनियां जो है ऐसे सॉफ्टवेयर मैंने इस तरह की सॉफ्टवेयर दे रहे हैं जिसका कॉस्ट जो है मतलब काफ़ी स्टार्टिंग में तो काफ़ी कम है, लेकिन लेने वाला ले देता है कि उस समय उसका कॉस्ट उसको कम लगता है, लेकिन उसका जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर लेने का पहले आप ये ध्यान देना कि उसका प्राइस क्या है और उसका एनुअल मेंटेनेंस क्या है। अगर एनुअल मेंटेनेंस ज़्यादा है और कॉस्ट माने स्टार्टिंग कॉस्ट कम है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि आपकी जो कंपनी का जो मेंटेनेंस है उस पर इफेक्ट आ सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर एक सॉफ्टवेयर का दाम 50,000 है और उसका एनुअल मेंटेनेंस 10,000 है तो ठीक है, लेकिन अगर एक सॉफ्टवेयर का दाम मान लीजिए 35,000 है, उसका एनुअल मेंटेनेंस 17,000-15,000 है तो कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि एनुअल मेंटेनेंस तो काफ़ी ज़्यादा है, वो तो आपको हमेशा देना नहीं होगा। तो पहली बात है कि एनुअल मेंटेनेंस आप देख लो कौन सॉफ्टवेयर का कैसा है, एनुअल मेंटेनेंस जितना कम हो उतना ही अच्छा है ना दोस्तों। अब दूसरी बात क्या है कि निधि कंपनी की जब भी हम सॉफ्टवेयर लेते हैं तो हमको क्या क्या देखना चाहिए। पहला तो देखना चाहिए कि उसमें जो तमाम बातें हैं जैसे अकाउंट ओपनिंग क्लोजिंग वो सब तो नॉर्मल बातें हैं, उसकी ऑडिट है, बैलेंस शीट है, उसमें जो लेजर निकल रहा है, ये सारी कुछ सर्विसेस उसमें अवेलेबल है या नहीं है, आप उसको खुद कहकर देखो। ठीक है, ये आप दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ होना चाहिए कि यूजर फ्रेंडली, माने उसका जो इंटरफेस है, कोई भी सॉफ्टवेयर का इंटरफेस जो है आप माने यूजर फ्रेंडली है कि नहीं, आप उसको इजीली ऑपरेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आप इजीली ऑपरेट नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है आपको ऑपरेट करने में, मतलब ऐसा माने आपकी जो माने जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है वो इस तरह होना चाहिए कि एक बच्चे भी उसको हैंडल कर सके। तीसरी चीज़। चौथी चीज़ ये सिक्योरिटी, अगर आपकी जो भी सॉफ्टवेयर आपने लिया है कि उसका सिक्योरिटी कैसा है, अगर वो सिक्योरिटी सही नहीं है तो आप उस सॉफ्टवेयर को पहले देख लो, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से दिखा लो, या फिर आप पहले पता करो कि वो सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ है। और पांचवी चीज़ जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं यहाँ पास बताने वाला हूँ, काफ़ी ऐसी कंपनियाँ हैं जो सॉफ्टवेयर के नाम पर लूट मचा रही है। मैं आपको यहाँ फ्रेंकली बताना चाहूँगा दोस्तों, फ्रेंकली बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर के नाम पर लूट मचा रही है, लोगों को डराती है कि ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, और सॉफ्टवेयर का लगभग क्या नाम है 60,000-70,000 से 1,00,000-1,50,000 तक सॉफ्टवेयर के पैसे लेती है।
ठीक है, आप वही सॉफ्टवेयर जो है कहीं आपको 50,000 में मतलब कम रेट में भी मिलता है। और ये बात बोलने की है कि हम लोगों ने ये फीचर्स दिए वो फीचर्स दिए, तो दोस्तों यहाँ पास लूटने से बचो। कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी अगर आपको लूटने की कोशिश कर दे, वो समझ में आ जाए तो हमको, तो मुझे तो मालूम है कौन कौन कंपनी है, लेकिन मैं नाम फिर भी नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों आपकी इच्छा है। कभी कभी आप क्या होते हो, डर के मारे भी मतलब पैसे जो है खर्च कर देते हो, जो कि आपकी कंपनी का बहुत ही बहुमूल्य पैसा है, इन्वेस्टमेंट का पैसा है। तो पैसे अपनी कंपनी के सॉफ्टवेयर में सोच समझ के खर्च करना ना दोस्तों। अभी मैं कुछ दिन पहले ही सॉफ्टवेयर के विषय में एक वीडियो भी बनाया था कि अगर आपके कम मेंबर है, स्टार्टिंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा मेंबर है तो सॉफ्टवेयर तो लेना आपको जरूरी है, ताकि आपका काम आसान हो। अभी और एक बात है जो मैं अभी बताते बताते भूल ही गया, मैं थोड़ा दिमाग से उतर रहा है, कि लेते समय इस बात का आपको ध्यान देना है कि आने वाले समय में वो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा कि नहीं, या आप उसमें कोई सर्विसेज ऐड करना चाहते हैं तो वो सर्विसेज उसमें ऐड होगी या नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि मेरे पास अभी हाल ही में एक केस आया था जिसमें एक निधि कंपनी के मालिक ने 50,000 में एक सॉफ्टवेयर खरीदा था। और एक केस जो मैं यहाँ बता भी नहीं देना चाहूँगा, ये केस बिहार का है, मैं आप कंपनी का नाम नहीं बताऊँगा। तो बिहार के पटना का एक केस है कि एक निधि कंपनी के मालिक ने सॉफ्टवेयर लिया, फिर उसको उस सॉफ्टवेयर में इतनी सारी प्रॉब्लम आई थी कि उस मैंने उसका जो है कंपनी जो है प्रॉब्लम में आ गई, और उसके मालिक ने अपना सर पकड़ लिया कि 50,000 का सॉफ्टवेयर मुझे बेच दिया, और लेकिन इसका हमको रिजल्ट क्या मिला। तो ये गलतियाँ मत करना दोस्तों। अभी अभी आपको आगे आगे की वीडियो में आते रहूँगा, जिसमें मैं निधि कंपनी को फायदे में कैसे चलाना है इसके विषय में बताऊँगा। और यहाँ पास वीडियो दिया हुआ है, यहाँ पास आप और भी जानकारी ले सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में, और जो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम लोगों ने भी एक सॉफ्टवेयर ये किया है, आप उसको देख सकते हो आपको क्या फीचर्स है। हाँ, यहाँ पास एक बात इंपॉर्टेंट बताना भूल गया, कस्टमर केयर। तो यहाँ पास बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप कोई भी सर्विस ले, तो चाहे वो कंपनी रजिस्ट्रेशन को हो, चाहे कंपनी के सॉफ्टवेयर हो, कोई भी आपके पास, आप उस कंपनी का सॉफ्टवेयर, उस कंपनी का मतलब कस्टमर केयर कैसा है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपने फ़ोन किया तो फ़ोन में आपको एक ही बात बोला, एक काम कीजिए सर, प्रॉब्लम है आपको तो आप ईमेल कर दीजिए। काफ़ी कंपनियां ऐसे कहती है कि अगर आप उनको, आपको कोई प्रॉब्लम हुआ और आप उनसे बात करना चाहते हैं, तो सीधा बोलते ईमेल कर दीजिए, और वो ईमेल का जवाब वो आता है जाता है, वो सब आप सोचते फिरो। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी चीज़ें मुझे सुनने में आ रही है कि काफ़ी कंपनियां क्या करती है, सॉफ्टवेयर दे देती है, बेच देती है, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आया तो ईमेल करो, ये करो, तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती है। तो ये नहीं होना चाहिए, और मैं इसीलिए कोशिश भी कर रहा हूँ कि आप लोगों को वो सारी सर्विसेज जो है मतलब आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं, सीधे हमारी टीम से बात कर सकते हैं, और हम आपकी एक एक प्रॉब्लम जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारी टीम टेकोटेक सॉल्यूशन आपकी एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपने हेल्थ को भी बना के रखना, अगर अच्छा से बिजनेस करना है दोस्तों, तो और अगर आपकी कोई क्वेरी भी होगी तो सवाल यहाँ पास कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाना दोस्तों, ताकि आप लोगों को बहुत सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।